हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी के कैटेगरी। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्जाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जिसे आप एम्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसी एम्स के द्वारा आपका 2023 में सीआरई का फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें हमको तरह तरह की न्यू वैकेंसी देखने को मिली थी। क्या अब की बार इस 2024 में सीआरई का जो फुल नोटिफिकेशन है वो आएगा या नहीं आएगा, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे फ्रेंड। और जिस तरह से हर वीडियो में आपको बार बार बोला जाता है, आपसे कहा जाता है कि आप अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि आने वाली हर इनकमिंग अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आपसे मिस ना हो। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर हम आए हुए हैं। तो आपका जो सीआरई का, जिसको आपको लंबे समय से इंतज़ार है, यानी सीआरई 2024 जो है, यानी इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो इस 2024 में आएगा या नहीं आएगा, तो आइए जानते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, बात करूं मैं अभी की, तो अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है, यानी कि 3 अगस्त को मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। और कब तक आपका जो फुल नोटिफिकेशन है सीआरई 2024 का आपको देखने को मिल सकता है, तो देखिए फ्रेंड, पिछली बार जो आपका नोटिफिकेशन आया था वो नवंबर में आया था, तो जहाँ तक सुनने को मिला है तो अब की बार भी आपका जो नोटिफिकेशन है अक्टूबर या नवंबर के आसपास ही आ सकता है। हाँ फ्रेंड, 99% आपका जो नोटिफिकेशन है आपको अक्टूबर या नवंबर में देखने को मिल सकता है। और जो ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, ये एक टेंटेटिव अपडेट है, क्योंकि कोई ऑफिशियल अपडेट की यदि मैं बात करूँ तो अभी तक जो है इसकी वेबसाइट पर इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो आपका वैकेंसी जो है ज़रूर आएगी फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, आपकी जो ये वैकेंसी आने वाली है, न्यू वैकेंसी सीआरई की, ये ज़रूर आएगी, क्योंकि हर साल जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है वैकेंसी निकालता था, लेकिन पिछली बार क्या है 2023 में इसके द्वारा, एम्स के द्वारा यानी न्यू दिल्ली के द्वारा, ग्रुप बी एंड सी पोस्ट पर यानी सभी एम्स को मिलाकर जो है आपका सीआरई जो है लिया गया था। तो अब की बार भी जो है 90% चांस है कि आपका सीआरई 2024 का आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और जब भी इससे रिलेटेड कोई न्यू अपडेट हमको देखने को मिलती है तो आपको उसी टाइम जो है अपडेट कर दिया जाएगा। अब की बार कौन कौन सी आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे फ्रेंड। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए 20 से 25 दिन ही मिलेगा। और फिर एग्ज़ाम डेट, यानी पिछली बार जो है नवंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 18 और 20 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया गया था, तो आप खुद ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना टाइम आपको दिया गया था। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अभी से जो है इसकी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, यदि इसका एग्ज़ाम आपको निकालना है तो आप जो है अभी से इसके एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। और इससे रिलेटेड यदि कोई भी न्यू अपडेट यदि हमको देखने को मिलती है तो आपको उसी टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।